आपको बता दें कि रविवार की देर रात रामनगर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छोई क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने तीन स्थानों पर अलग अलग चोरी करते हुए जहां एक ओर पुलिस की सुरक्षा दावों की पूरी तरह पोल खोल दी, तो वहीं ग्रामीणों में भी अब पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति रोष पड़ने लगा है। ग्राम छोई स्थित राजकीय पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक त्रिभुवन सिंह हालसी ने बताया कि अज्ञात चोरों की ओर से स्कूल के 9 ताले तोड़कर स्कूल में मध्यान्ह भोजन के लिए रखा गया एक गैस सिलेंडर चोरी करने के साथ ही चोर स्कूल के कुछ आवश्यक दस्तावेज भी चोरी कर ले गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले 5 जनवरी को भी स्कूल में चोरों की ओर से चोरी की गई थी। उन्होंने कहा कि लगातार स्कूल में चोरी को लेकर बच्चे भी अब डरे हुए हैं, तो वहीं अध्यापकों में भी असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही अज्ञात चोरों ने इसी स्कूल प्रांगण में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी ताला तोड़कर चोरी करने का असफल प्रयास किया। आज हुई बड़ा दुख इस बात का है कि जिस समाज में हम समाज बनाने की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, और वहाँ जब हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, तो कैसे हम पढ़ा पाएंगे। 9 ताले टूटे हैं, एक नहीं, एक दो नहीं, 9 ताले टूटे हैं। और जो चोर है वो ये दिखाना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मतलब चैलेंज। एक अभी तक तो अभी सिलेंडर हमारे एक चोरी हुआ है, कुछ हमारे रिकॉर्ड गायब हुए हैं अभी तक का। पुलिस को हमने FIR तैयार कर रखी है, अब अभी देने जा रहे हैं। आंगनबाड़ी में भी ताला तोड़ा गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी में मूवमेंट ज़्यादा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। सबसे पहले उसने वहीं का ताला मेरे हिसाब से तोड़ा, क्योंकि वहाँ फिर वो मूवमेंट होता है, उसको पता नहीं लगा, फिर वो यहाँ आया, ये हुआ है। और दुखद विषय है हमारे लिए, समाज के लिए भी एक चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि जहाँ शिक्षा होनी चाहिए वहाँ इस तरह की घटनाएँ होंगी, तो हम कैसे अपने आप को पढ़ा पाएंगे। जो व्यक्ति इतना 9 ताले तोड़ सकता है, उसके लिए हम क्या होते हैं, कभी हम पे भी अटैक कर सकता है। ये एक बड़ा दर्दनीय विषय है, जिससे मैं तो बहुत हट हुआ हूँ अपने आप। तो वही चोरों की ओर से छोई पड़ाव में स्थित एक दुकान का भी ताला तोड़कर दुकान से कुछ नकदी और सामान चोरी कर लिया गया। पड़ाव है हेडपम्प के, वहाँ पे हमारे नीचे छोटी सी एक दुकान है, उसमें कुछ कैश, थोड़ा चॉकलेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये सब चोरी हो रखा है कल रात। उक्त गांव में एक साथ 3 चोरियों की घटना घटने के बाद ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। ग्रामीण और स्कूल के अध्यापकों ने चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने की मांग पुलिस से किया। वहीं मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इस संबंध में सूचना मिली है और तहरीर मिलने के बाद उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। यहाँ तो ताला तोड़ा, अंदर घुसी, ये आंगनबाड़ी के अंदर सरमपुर बढ़वा दी, तो उनको मोबाइल ऑन करना पड़ा, कोई भी।